पल्ला लेके खाना बनाती हूँ या फिर क्यों पल्ला नहीं लेती। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो आज है 29 अगस्त और दिन है सैटरडे। तो बस यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा, शाल लेके बस जस्ट आई ही हूँ और यहाँ मैं लड्डू गोपाल को नहला रही थी, उनको स्नान करा रही थी। सो फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आज का जो मेरा वीडियो है आप लोग एंड तक देखिएगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि आज मैं आप लोग से बहुत ही ज़रूरी बात करने वाली हूँ, तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और जो मेरे चैनल पर नए हों वो फटाफट मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज है एकादशी, तो आज मैं यहाँ कर रही हूँ पूजा शालिग्राम जी की और लड्डू गोपाल जी को। मैंने दोनों लोग को नहला दिया है, उनको स्नान करा दिया है और अच्छे से उनको सिंहासन पर मैंने बिठा दिया है कपड़े पहना के, और अब मैं शालिग्राम जी को यहाँ पर चंदन वगैरह लगा रही हूँ। सो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप सब जानते होंगे कि जब भी हमारे इंडियन कल्चर में पूजा वगैरह किया जाता है तो सबसे पहले गणपति बप्पा की पूजा की जाती है, मतलब गणेश जी की पूजा की जाती है। तो यहाँ पहले मैं श्री गणेश जी की मैंने पूजा किया और उसके बाद मैं सारे भगवान की पूजा करूँगी। यहाँ मैं गौरी जी को सिंदूर चढ़ा रही हूँ। तो जैसा कि मैं आपसे मैंने बताया कि आज है एकादशी, तो आज है डैडी का फास्ट, तो बस यहाँ पे मैं पूजा करूँगी, उसके बाद मम्मी पूजा करेंगी। जब तक हमारे यहाँ मतलब कोई भी फास्ट होता है सब लोग नहाते हैं, उसके बाद पूजा करते हैं, उसके बाद ही सब चाय पीते हैं। तो अभी समझ लीजिए 8:30 का टाइम हो रहा है और चाय किसी ने नहीं पिया है। तो यहाँ देखिए मैं तुलसी दल सब पे रख रही, मतलब सबको चढ़ा रही हूँ, क्योंकि कृष्ण जी को भी तुलसी जी बिना भोग नहीं लगाया जाता है और शालिग्राम भगवान को भी तुलसी जी जरूर उन पे रखा जाता है। ब्लॉगिंग तो मैं रेगुलर आप सबको दिखाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज की मैं पूजा भी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो यहाँ मैं थोड़ा सा मैं दिया दिखा रही हूँ मतलब भगवान को, उसके बाद मैं थोड़ी देर में मैं आरती भी करूँगी। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वतात्मजं वानररूपमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो फ्रेंड्स, तो जस्ट मैंने पूजा किया, उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि अब मुझे चाय बनानी है, क्योंकि अब बज गए हैं 9:00 और अभी किसी ने भी चाय नहीं पिया है। तो यहाँ देखिए मैं मॉर्निंग में उठी थी ना, तो मैं यहाँ पे सारा किचन मैंने क्लीन किया था, मतलब पूरा किचन मैंने धुला था, टाइल्स वगैरह सब क्लीन किया था। बस मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि जब मैं इधर कैमरा ऑन करने गई उधर श्रीयू रोने लगी थी, वो भी उठ गई थी, तो बस मैं उसे जाके सुलाने चली गई। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्लीन कर लेते हैं और पूजा से अपना जो ब्लॉग है वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ साइड में चाय चढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ मखाना, मतलब मखाने को फ्राई कर रही हूँ। उसके बाद मैं आपको यहाँ हेलो कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैंने आपसे फेस टू फेस हेलो नहीं किया था। तो बस मैं आपसे यही बता रही थी कि लेट हो गया है चाय बनाने में। तो यहाँ देखिए मेरी जो चाय है वो बन गई है और यहाँ मैं मम्मी को पहले दे देती हूँ, क्योंकि मैंने इसमें अभी शुगर नहीं डाला था। और साइड में मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, बस थोड़ी देर बाद मैं गैस जलाऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ मखाने को भून लूँगी। तो यहाँ मैं निकाल रही हूँ बिस्किट, क्योंकि मम्मी का फास्ट नहीं है, उनको शुगर है, उन्होंने स्टार्ट किया था डैडी के साथ ही फास्ट, बट क्या है ना कि वो रह नहीं पाए, उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मतलब
दो एकादशी शायद वो रही थी, लेकिन तीसरे में वो बिल्कुल भी उनकी हिम्मत जो है नहीं किया, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मम्मी आप बिल्कुल मत रहिए फास्ट, और भगवान ने ये थोड़ी ना कहा है कि आप अपनी तबीयत ख़राब करके ही फास्ट रहो। हाँ नॉर्मल पूजा भी कर सकते हो, भगवान की पूजा कर लो और अच्छे तरीके से, और ज़रूरी नहीं है कि आपकी तबीयत अगर ख़राब है तो आपको फास्ट रहना ही रहना है। तो बस मैंने मम्मी से कहा कि पहले तो मैंने कहा कि मम्मी मैं रह लेती हूँ, तो मम्मी कहीं नहीं बेटा अभी मतलब ऐसे नहीं शुरू किया जाता, अच्छे दिन शुरू किया जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा ठीक है फिर, लेकिन आप मत रहिए फास्ट, डैडी अगर रह रहे हैं तो ठीक है फिर डैडी ही रह जाते हैं। तो डैडी रह रहे हैं इस समय फास्ट, और डैडी के लिए मैं यहाँ फलाहार पहले बना लूँगी, उसके बाद कुछ लंच में तैयारी करूँगी। नाश्ते में मैं इस आज ज़्यादा कुछ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ बिस्किट और नमकीन ही दे रही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, 9 बज गए हैं, और अब तक तो मैं अपना लंच शुरू भी कर देती थी बनाना। तो बस यहाँ पे मैं दे रही हूँ मखाना और चाय डैडी के लिए, मतलब देने वाली हूँ। अभी डैडी शाल लेने गए, मतलब नहाने गए हैं, तो वो नहा के आ जाएंगे तो मैं उनको चाय दे दूँगी। आज मुझे लेट इसलिए हो गया है क्योंकि आज मैं मॉर्निंग में मतलब उठी तो मैं 5:30 बजे से ही थी, बट क्लीनिंग वगैरह करते हुए और किचन को भी मैंने थोड़ा क्लीन किया, टाइल्स वगैरह मैंने सब क्लीन किया, बस उसी चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। और मैं शाल लेने गई थी करीबन 8 बजे, तो लेट तो हो ही गया था। तो बस मैंने थोड़ा सा देसी घी डाला था, उसके बाद मैंने थोड़ा जीरा तड़कने के लिए डाल दिया, और हरी मिर्च मैंने कट करके रखा था वो डाल दिया, उसके बाद मैंने यहाँ डाल दिया है लौकी, और उसके बाद मैं यहाँ डालूँगी व्रत वाला नमक मतलब सेंधा नमक, उसके बाद इसको मैं ढक दूँगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं चाय पी ली हूँ, और सबने चाय पी लिया है, और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी, क्योंकि हम लोग का फास्ट नहीं है जैसा कि आप लोग को मैंने बताया। तो वही मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और टमाटर की सब्ज़ी। और आज मैं प्याज लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करूँगी, क्योंकि आज है एकादशी और मम्मी ने बोला कि आज जो है खाना एकदम सिंपल सा बनाना, बिल्कुल भी उसमें लहसुन प्याज ना डालना। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस यहाँ मैं आलू को छील ले रही हूँ, अच्छे तरीके से इसको मैं धुल लूँगी, तो उसके बाद मैं इसको करूँगी कट। तो यहाँ मैं आलू को कर रही हूँ कट, और कुकर में ही बनाऊँगी क्योंकि जल्दी हो जाएगा, और मुझे जल्दी जल्दी काम ख़त्म भी करना है, और स्त्रियों को भी मैंने नहीं नहलाया था और उस समय वो लेट से उठी थी। सो फ्रेंड्स, तो बिना लहसुन और प्याज के सब्ज़ी मैं किस तरीके से बनाती हूँ आप देख लीजिए। तो मैंने थोड़ा सा कुकर में मस्टर्ड ऑयल लिया था, उसके बाद मैंने थोड़ा सा जीरा तड़कने के लिए डाल दिया था, जीरा को थोड़ा वेट करेंगे जब तक अच्छी तरीके से पक ना जाए, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। मैंने 2 हरी मिर्च कट करके रखी थी, उसको मैंने ऐड कर दिया है। उसके बाद मैंने 2 टमाटर कट करके रखा था, छोटे छोटे टमाटर थे, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया, उसके बाद इसको मैं ढक दूंगी जब तक टमाटर अच्छी तरीके से गल ना जाए। तो टमाटर हमारा अच्छी तरीके से गल चुका था, और अब हम इसमें डालेंगे आलू जो मैंने कट करके रखा था, और उसको अच्छी तरीके से भूनेंगे, और उसके बाद आप सारे मसालों को इसमें डाल दीजिए जो आप रेगुलर मसाले यूज करते हो, और उसके बाद अच्छे तरीके से इसको चला लीजिए। उसके बाद मैंने डाल दिया है पानी अच्छी तरीके से डाल दीजिए, जितना आपको अंदाज के ही डालना है, जितना आपको डालना हो, मुझे तो बिल्कुल रसा वाला सब्जी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी रख दी है पकने के लिए, और जब तक हमारी सब्ज़ी पकेगी हम यहाँ रोटी बना रहे हैं गैया के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारे यहाँ रोटियाँ बनती हैं, तो सबसे पहली रोटी जो होती है वो गाय के लिए बनती है। और अभी पितृपक्ष भी आने वाला है, तो जब खाना वगैरह बनेगा तो सबसे पहला जो थाली होगा वो गाय के लिए निकलेगा, उसके बाद जो है सबके लिए खाना निकलेगा। तो बस यहाँ मैं गाय के लिए पहले रोटी बना के रख लूँगी, फिर उसके बाद यहाँ बनाऊँगी पराठे। और उस गाय के लिए मैंने रोटी निकाल दी, उसमें थोड़ा सा मैंने गुड़ रख दिया है, और यहाँ मैं श्रीयू के लिए रोटी बना रही हूँ, क्योंकि अभी वो सो के उठी है तो उसको कुछ ना कुछ देना ही है, और सब्ज़ी हमारी बन के तैयार हो चुकी है, तो मैं सोच रही थी चलो इसको रोटी और सब्ज़ी खिला देती हूँ, तो बस उसके लिए मैं यहाँ रोटी बना रही हूँ। पराठे मैंने बना लिए हैं, और अब मैं जा रही हूँ गैस को क्लीन करने के लिए, और बस नॉर्मल कपड़े से मैं गैस पोंछ रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह मॉर्निंग में सारा किचन धुला है जैसा कि मैंने आपको बताया, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हल्का सा मुझे कपड़ा मार देना है, और उसके बाद मैं जाऊँगी लंच करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा लंच, और मैं जा रही हूँ करने लंच, तो आइए आप सब भी कर लीजिए साथ में।
फ्रेंड्स, तो लंच वगैरह हो गया है और आज मुझे आप लोगों से बहुत ही ज़रूरी बात करनी थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो आज कुछ बात कर लिया जाए। तो आज जो है मेरे जो मैंने कल का जो वीडियो मैंने अपलोड किया था तो उस पर मेरे बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट किया है तो उन्होंने मुझे ये कमेंट किया है कि आप पल्ला लेके सर पे पल्ला लेके खाना क्यों बनाती हैं, क्या अपने ससुराल के कारण? तो बस उसी पे मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि मैं क्यों पल्ला लेके खाना बनाती हूँ या फिर। और मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने मुझे कमेंट किया इस तरीके से, कि मुझे ये अच्छा लगा कि क्यों वो मुझे ध्यान से देखती हैं, मेरी वीडियो को इतने ध्यान से देखती हैं, तो ही वो इसने अच्छा मतलब कमेंट भी मतलब उन्होंने किया। तो बस मैं उनसे यही बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ इलाहाबाद की रहने वाली, सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ। और वहाँ में मेरी मम्मी हैं और मेरी चाची हैं, वो मेरे दादाजी के सामने अभी भी अपने सर पे पल्ला लेती हैं, सर रखती हैं। तो बस मैं वहीं से मैं देखती आई हूँ। और यहाँ मेरी मम्मी मतलब यहाँ सासू माँ भी मेरी बाहर जब भी गांव के बड़े लोग आते हैं तो उनके सामने वो अभी भी पल्ला लेती हैं, तो इसे मैंने देखा है, तो वो मेरे आदत में आ गई है। जब भी मैं खड़ी भी रहती हूँ तो ऐसा लगता है कि पल्ला मैंने लिया है कि नहीं लिया है, तो मैं इतना ध्यान मतलब मेरे दिमाग में ही रहता है कि मैं पल्ला ले लेती हूँ, या फिर कभी ध्यान नहीं रहता फिर भी मैं अपना पल्ला उठा के सर पे रख लेती हूँ, मतलब दुपट्टा ही रख लेती हूँ या फिर। और जबकि मेरे ससुराल में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि मेरी शादी यहाँ पर हुई है और मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ वो हमेशा इस चीज़ के लिए मुझे वीक में जरूर 2 या 3 बार जरूर उनसे मुझे डांट पड़ जाती है पल्ले के लिए, कि पल्ला मत लिया करो। और मेरे में बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि बहू है तो उसको पल्ला लेना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तभी हो जाता है कि कभी पल्ला नहीं भी लेती हूँ और कभी ले लेती हूँ, तो बस ऐसा हो जाता है। लेकिन हाँ, मेरी आदत में हो गया है मतलब हो गई है, और कि कोई ऐसी बात नहीं है कि ससुराल में मैं पल्ला लेके खाना बनाती हूँ कि कैसे रहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसी चीज़ के कारण मुझे मम्मी से बहुत ज़्यादा डांट पड़ जाती है कि बेटा पल्ला मत लिया करो, वो हमेशा मुझे टोकती रहती हैं पल्ले के लिए, और मतलब फिर भी मेरी ये आदत है। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं इसीलिए पल्ला ले लेती हूँ, पल्ला लेके खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत में है। मैं बचपन से अपने चाची और मम्मी को भी देखती आई हूँ, यहाँ मम्मी को भी मैं देखती हूँ। तो बाकी बस मैं यही कहना चाहती हूँ आपसे कि ससुराल के कारण मैं, ऐसा नहीं है कि ससुराल के कारण मैं पल्ला लेती हूँ या पल्ला लेके खाना बनाती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरी आदत में है और मुझे इतना मना किया जाता है। थैंक यू, आपने कमेंट किया इसके लिए। और तो आप लोग देख सकते हैं कि ये देखिए मैंने इयररिंग्स निकाल दी थी ना गोल्ड की, तो मैंने सोचा था कि मैं दूसरी निकाल के पहन लूँगी, बट मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला, या फिर कुछ भी कह सकते हो टाइम नहीं मिला, तो मैंने नहीं पहना, तो मैं बाद में पहन लूँगी। ये देखिए मेरे कान खाली हैं, श्रियम की वजह से मैं निकाल देती हूँ क्योंकि वो हमेशा मेरे कान से बाली खींच लेती है। बच्चों का तो काम ही होता है कि क्या पहने हैं मम्मा क्या है, तो खींच ही लेते हैं। तो बस बहुत जल्दी से मैं इसको एयररिंग्स पहनूंगी। और हाँ, अब आने वाला है करवा चौथ, तो मुझे बहुत मतलब मुझे पता है कि आप सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा मेरे करवा चौथ के मेकअप लुक का, तो मैं बहुत जल्द करवा चौथ का मेकअप लुक क्रिएट करूंगी और आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आप लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखा करिए, रेगुलर फॉलो किया करिए, और जो मेरे चैनल पर नए हों वो मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और मेरे पूरे ब्लॉग मेरे पूरे वीडियोस देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और कोशिश करूँगी कि और भी अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दूँ और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपको बना के दूँ। तो आज का जो ब्लॉग है मैं यहीं पर एंड करूँगी, बहुत सारी बातें आप सबसे हो गई हैं, तो ऐसे ही आप प्यारे प्यारे कॉमेंट करते रहिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप कॉमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए, अब मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।